हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई क्यू विषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आई क्यू विषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी अपडेट होने वाली है एसएससी जेई के सिलेबस की, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के अंदर क्या सिलेबस आता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस जो है ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में नॉलेज आई क्यू में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस लिंक से आप लोग आके से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सिलेबस देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको इससे लास्ट वीडियो में कि एसएससी जेई का आपका जो है फॉर्म जो है अगस्त में फिल किया जाएगा और आपका नवंबर में जो है एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दी गई है। तो मे बी आपका जो एग्ज़ाम है नवंबर में होने का पूरा यहाँ पे चांस है कि आपका जो 2022 वाला एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपकी अब तैयारी में आप लोग को लग जाना चाहिए। आपको सिलेबस कैसे में तैयारी करनी है वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। मैंने नॉन टेक्निकल की भी एक वीडियोस की बुक बना दी, जिसमें सारी नॉन टेक्निकल की बेस्ट बुक्स हैं उनको बारे में डिस्कस कर दिया है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सारी जीके की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए ताकि कम समय में आपका यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हो जाएँ, उसका वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी। चैनल पर आप लोग जाएंगे नीचे तो बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग इसे डिटेल में देख लेना। बाकी हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जैसे कि जो हमारे कवर करे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस आपका जो भी आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का होता है वो यहाँ पे दे रखा है। अगर हम बात करेंगे एसएससी जेई का पेपर पैटर्न की, तो एसएससी जेई में जो नए हैं जिन्होंने पहली बार एसएससी जेई देंगे, तो मैं बता देता हूँ एसएससी जेई के दो पेपर होते हैं, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। टीयर 2 केवल आपका जो होता है कह सकते हैं टेक्निकल जो भी आपकी ब्रांच है उससे रिलेटेड होता है। और टीयर 1 में आपके तीन पोर्शन होते हैं, जिसमें पहला पोर्शन 50 नंबर का आपका जीके का पोर्शन होता है, और आपका सेकंड पोर्शन रीजनिंग का पोर्शन होता है वो भी 50 नंबर का होता है, और आपका तीसरा पोर्शन 100 नंबर का आपका जो भी आपकी डिसिप्लिन होता है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वो होता है। तो इस तरीके से 200 नंबर का पेपर होता है और 200 ही क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है। बाकी इसका पेपर पैटर्न में और इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपका जो जीके का पोर्शन है उसके अंदर आपका सारी चीज़ें कवर करी जाती है, करंट अफेयर्स वगैरह सब चीज़, टोटल ज्योग्राफी वगैरह सब। तो उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है 50 नंबर के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर 1 की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या आपका टॉपिक रहते हैं। देखिए अगर पेपर में बात मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग आपकी रहती है, रीजनिंग आपके वही सारे टॉपिक जो नॉर्मल आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो वही टॉपिक्स आते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपके इवेंट्स हैं, आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आ रहा है वो सारा यहाँ पे कवर किया जाता है। अगर बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग की, तो जनरल इंजीनियरिंग देखिए बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जनरल इंजीनियरिंग में आपसे बेसिक, आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा उसमें रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के छोटे छोटे सर्किट से क्वेश्चन पूछ लेगा, मैकेनिकल के अंदर सिविल के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा। ऑलरेडी मतलब आप लोग थोड़ा बहुत अगर पढ़े हुए होंगे, दो अदर ब्रांचेस का थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ते ही हैं, तो आप लोग वहाँ लगा लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। बाकी अगर टफ डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जनरल इंजीनियरिंग का तो सभी कोई भी नहीं कर पाएगा, तो उसमें जिसकी ब्रांच का फंसेगा वो करेगा, अगर मान ली अदर ब्रांच का वो नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं सिविल का, तो देखिए सिविल के पार्ट में आपके कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आपके कवर करे जाते हैं। तो सिविल में आप देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल, एस्टीमेटिंग, कॉस्टिंग एंड एवोल्यूशन, सर्वेइंग, सॉयल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके यहाँ पर पूछा जाता है। बात करें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर सिविल में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन यहाँ पे आपका कवर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शन, किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आपका पूछा जाता है। बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसके अंदर देखिए आपके टोम पूछी जाती है, आपसे सोम पूछी जाती है, डिजाइन, एफएम, फ्लूड वगैरह, देखिए फर्स्ट लॉ इसमें दे रखा है अलग से, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ वगैरह जो भी आपका रहता है, एसी इंजन वगैरह हो गया, आपकी एयर कंप्रेसर हो गए, आपके जो भी आपका मतलब सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 यानी इसमें आप डिटेल में सिलेबस दे रखा है, क्योंकि आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिए देख रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ। देखिए आप अगर कोई भी आप सिविल के ब्रांच के हैं तो आप लोग कम से कम बिल्डिंग मटेरियल में जो जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं, जो जो आपका कंटेंट दे रखा है, वो कंटेंट आप जरूर कवर करके जाएं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छा पूछा जा सकता है। और अदर आपको ज़्यादा अगर खाली एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अदर टॉपिक ना देखें अभी फिलहाल में, अगर आप दूसरे की भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे भी अदर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अंदर डिटेल में दे रखा है जो आप लोग खुद देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे देख लें और आपका जो भी है आप लोग एक एक करके टॉपिक्स को उनको कवर करें। और आप लोग यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लीजिए, मैं आप प्रेफर करूँगा टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उस टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं।
और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, और वहाँ पे जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो रहते हैं उनमें टेस्ट में मतलब आपको कम पैसे में अच्छे टेस्ट आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी आप अदर भी कोई परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि SSC JEE का आप लोगों को सिलेबस यहाँ पे दिख गया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट सिलेबस है, आप लोग अब अपनी तैयारी में लग जाएँ। और जो है आपके 2-3 महीने 4 महीने का टाइम है जिसमें आप लोग इसमें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी नंबर ऑफ मतलब सीट्स की बात है वो अभी आएगी SSC में कितनी सीट्स आने वाली हैं JEE में, तो वो उसके बारे में अगर जैसी आएगी वो आपको डिटेल में वीडियो वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।